हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे की रेसिपी, आलू वाले। पंजाबी स्टाइल हैं ये, जो दिल्ली में मिलते हैं वो वाले हैं ये। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और क्रिस्पी तो होंगे ही, साथ में खस्ता भी होंगे। और चटपटा मसाला बनाना सिखाऊंगी मैं आपको आलू का, और कैसे भरना है विद टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं हलवाई स्टाइल समोसे। तो हम इसका डो लगाएंगे, फिर मसाला बनाएंगे और इसको स्टफ़ करके फ्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या चाहिए। मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 कप आटा। आप चाहें तो सिर्फ मैदे में या सिर्फ आटे में भी बना सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स किया है 1-1 कप, और 1/4 कप लिया है ऑयल। साथ ही मैंने 1 टीस्पून ली है अजवाइन और 1 टीस्पून नमक। तो चलिए हम डो तैयार कर लेते हैं। मैंने डाला है इसमें मैदा और 1 कप, और 1 कप डाला है आटा। इसमें हम मिला लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। हाथ से थोड़ा सा मसल लें उसको और फिर इसमें डालें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसको हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट डो इसमें नहीं तैयार करना है हमें, थोड़ा हार्ड ही होता है, क्योंकि हमें समोसे को शेप देनी होती है, जिसके लिए हमारा आटा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो समोसे का शेप नहीं आएगा। अच्छे से हमें ऑयल को आटे में मिक्स करना है ताकि इसका अच्छे से मोयन लग जाए। और वो चेक करने के लिए हम आटे को थोड़ा सा उठाएंगे, एक लड्डू की तरह बनाएंगे, और अगर वो बन रहा है शेप, देखिए ऐसे, तो अच्छे से हमारा आटा मोयन तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ बिल्कुल ना डालें, और इसको अच्छे से हाथ से मसल मसल के एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट हो, थोड़ा हार्ड हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे, और फिर हम इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए हमारा आटा और उसकी शेप अच्छे से ले लें। तो देखिए हमारा आटा एकदम तैयार हो गया। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, ऊपर नीचे अच्छे से इसको ऑयल लगा के थोड़ा सा मसल लेते हैं, देखिए ऐसे, और हल्का सा हाथ में ऑयल लीजिए, इसको लगाइए, और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट आराम से आप इसको रेस्ट करने दीजिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे, और ये रेस्ट भी कर लेगा, फिर हम इसको शेप देंगे समोसे को, ठीक है। तो चलिए आलू के मसाले के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। साबुत धनिया 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। इसको हमें रोस्ट करके इसका पाउडर बनाना है। और साथ ही मैं इसके लूँगी हरी मिर्च बारीक काट ली है मैंने 2, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया था, ये ले लेंगे। और साथ ही कुछ ड्राई मसाले लेंगे हम, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और अमचूर पाउडर खटास के लिए 1 टीस्पून। ये सब हमने ले लिया है। सबसे पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपने सूखे मसाले को, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, सौंफ और साबुत मिर्च। इसको बस 1-2 मिनट ही हमें रोस्ट करना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। बस हल्का सा हमें भूनना है, देखिए इस तरीके से इसका कलर चेंज हुआ है हल्का सा। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसे मिक्सर में नहीं पीसना है, हमें बेसिकली इसे क्रश करना है। बहुत ज़्यादा इसे पाउडर नहीं करना है, तो हम इसको पत्थर के जो आता है क्रश करने के लिए इसमें हम डाल देते हैं, और इसको हल्के हल्के हाथों से हम क्रश कर लेंगे, तो ये हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। इसका जो दरदरापन होता है मसाले का, वो काफ़ी अच्छा लगता है आलू के मसाले में, तो इसको आप मिक्सी में ना पीसें, हल्का हल्का कूट लें। देखिए इस तरीके से हमारा मसाला तैयार है। और हम अब बॉयल आलू लिए हैं मैंने, 6 आलू मीडियम साइज़ के लिए, और इसको भी हम मैश कर लेंगे, हाथ से ही मैश कर लेना है हमें। इसका तड़का देंगे, उसके लिए मैं सबसे पहले चढ़ा लेती हूँ पैन, उसमें डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने। इसमें मैं डाल दूंगी ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे अपने आगे के मसाले। हरी मिर्च डाली है मैंने, साथ ही अदरक डाली है। आप इसमें हींग का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका, खुशबू अच्छी लगती है हींग की। अदरक और हरी मिर्च हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे बॉयल आलू। इसको भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे तड़के के साथ, ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए, इसमें जो पानी रह गया है बॉयल करते टाइम वो सब निकल जाए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें आप, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें चाट मसाला डाला है मैंने, अमचूर पाउडर है, ये गरम मसाला लिया है,
इस सबको हम सब जितने सूखे मसाले हमने निकाल के रखे थे वो सब हम इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी लिया है मैंने। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते आप चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही हमने जो सूखे मसाले कूट के रखे थे वो हम डालेंगे इसमें। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने अभी डाला है। इसको मिक्स कर लेते हैं और आप टेस्ट कर लें सारे मसाले मिक्स करने के बाद। अगर आपको कुछ कम लगे नमक मिर्च मसाला तो आप इसमें मिला सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी अब वो जो मसाला मैंने छोड़ा था कूटा है उसको मैंने 2 बड़े चम्मच और डाला था, यानी मैंने टोटल 4 टीस्पून इसमें वो कूटा मसाला लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक 1 टीस्पून। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा था, अब इसको ज़रूर डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। अब हमारे सारे मसाले इसमें आलू में अच्छे से मिक्स हो गए हैं ये देखिए। और अब मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी हरा धनिया फ्रेशनेस के लिए, इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट रहता है, वो डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला एकदम तैयार है, इसका मॉइस्चर भी सब निकल गया है, स्टफिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है हमारा मसाला, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको बनाएं। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और देख लेते हैं कि हमारा आटा रेस्ट के बाद कैसा तैयार। आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसको 2-4 हाथ मुक्की लगा लेते हैं और इसको बिल्कुल चिकना सा हमें तैयार कर लेना है। कचौरी और समोसे का आटा एकदम सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बस ये फ़र्क होता है कि कचौरी का थोड़ा और सॉफ्ट लगता है आटा और समोसे का थोड़ा हार्ड लगता है। तो चलिए हमारा आटा एकदम तैयार हो गया, हम इसके बॉल्स निकाल लेते हैं। जितना बड़ा आपको समोसा तैयार करना है उतने बड़े साइज़ का आप इसका बॉल्स निकालें। 1 बॉल में हमारे 2 समोसे बन के तैयार होते हैं, तो इतने में मेरे निकले हैं 6 बॉल्स, तो हमारे 12 समोसे आराम से तैयार हो गए थे। तो देखिए ऐसे हमें सारे बॉल्स बना लेने हैं। ये देखिए हमारे बॉल्स तैयार हैं, तो अब हम इसको बेलते हैं और शेप देंगे समोसे की। उसके लिए मैंने लगा लिया है ऑयल पटरे पे, और बेलन पे भी हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे ताकि हमारा डो चिपके नहीं। अच्छे से चारों तरफ तेल लगा लीजिए, अब हम शुरू करते हैं। हमने अपना पेड़ा लिया है और इसको हम हल्के हल्के हाथों से बेलते जाएंगे। थोड़ा हमें ओवल शेप लेना होता है, इससे समोसे की बहुत अच्छी शेप आती है। और आप एकदम सीधा काटें, मुझसे थोड़ा टेढ़ा कट गया था, आप बिल्कुल सीधा काटें। इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। और हम अब इसमें लगा लेंगे पानी, जो सीधी साइड है उसकी तरफ हम पानी लगा लेंगे, आधी बाहर की साइड भी लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से देखिए। इसमें चिपकाना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी आपका समोसा खुल गया पट्टी तो पूरा आलू का मसाला ऑयल में आ जाएगा और आपका ऑयल पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप इसका ध्यान रखें, इसको अच्छे से चिपकाएं, और जिस तरफ आपने चिपकाया है उसका जोड़ है वो अपनी तरफ रखें और उसमें स्टफिंग डाल दें अच्छे से। बहुत ज़्यादा ना भरें, नहीं तो फिर ये खुल भी सकता है। और फिर हम इसको ऊपर में पानी लगा देंगे और देखिए इस तरीके से हम इसे एक फोल्ड देंगे पीछे साइड पर और इसको ऐसे चिपका देंगे। बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान रखिए कि इसको चिपकाना है। और ये देखिए पीछे से ऐसे इसका फोल्ड आएगा और ये अच्छे से हमारी शेप समोसे की तैयार हो गई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलिए मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे आप पानी लगा लें हाफ हाफ अंदर और बाहर और उसको चिपका लें बहुत अच्छे से, और जो जोड़ है उसको अपनी तरफ रखें और उसमें स्टफिंग डालें, उंगली से दबा दबा के डाल लें, बहुत ऊपर तक ना भरें, और उसमें पानी लगा के फिर पीछे एक फोल्ड दे दें और ऐसे चिपका लें। बहुत ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हलवाई स्टाइल बिल्कुल आपका समोसा बनके तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए कढ़ाई मैंने चढ़ा ली है, उसमें डाल दिया ऑयल। ऑयल बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको तलना है, ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, और एक साथ आप 2-3 भी तल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये देखिए मैंने दोनों साइड से तल लिया और हमारा समोसा कितना अच्छा गोल्डन कलर का फ्राई हुआ है। तो देखिए सारे समोसे मैंने अच्छे से तैयार कर लिए। चलिए मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितना देखिए मज़ेदार लग रहा है ये। इसकी स्टफिंग भी अच्छे से हमारी भरी है और बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बना है ये, और टेस्ट में तो इतना लाजवाब था, यकीन मानिए आप एक बार इसको घर में बनाएंगे बाहर से लाना भूल जाएंगे। तो आप इसको इंजॉय करें, आपके फ्रेंड्स आएँ, स्नैक्स में आप इसको बना सकते हैं, बरसात में इसको खाने का मज़ा ही अलग है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।